हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th। अब इसमें आपका सबसे पहले क्या है कि हमारा कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस आपका कोई भी प्राइस फिक्स है मार्केट में, और उससे यदि उसे कम प्राइस पर कोई भी आइटम मिलता है तो उसको कितना गेन होगा उसको बोलते हैं हम कंज्यूमर सरप्लस। और प्रोड्यूसर जो भी आपका मार्केट प्राइस है उससे अब ज़्यादा पैसे पर वो आप सेल कर रहा है तो उसको कितना गेन होगा उसको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर सरप्लस। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि जब आपका डिमांड कर्व और आपका सप्लाई कर्व है तो जैसे आप कोई भी आइटम के प्राइस रिड्यूस करते हो तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो जैसे ही मैंने देखो प्राइस कम किया है तो मेरी डिमांड जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, तो ये मेरा डिमांड कर्व है। और जब मैं कोई भी मार्केट में यदि पैसा आप जो है आइटम का कॉस्ट बढ़ाते हो तो उसकी डिमांड कम हो जाती है तो आपका जो कर्व है वो राइज होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं हम सप्लाई कर्व कि आपकी सप्लाई जो है कम हो जाएगी यदि आप पैसा इंक्रीज कर दोगे। तो अब जब रेट इंक्रीज़ किया है तो देखो आपको जब भी कोई भी हमारा सप्लाई कर्व से है प्रोड्यूसर को कितना पैसा मिलेगा तो इस कर्व जो के अंडर जो एरिया है वो मिलता है। अब मैंने यहाँ पर जो दोनों कर्व हैं मैंने उनको कंबाइन कर दिया तो जहाँ पर ये कट करेंगे उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ये हमारी क्वांटिटी है एक्स जीरो और ये इसका प्राइस है। तो इससे जो अंडर का जो एरिया है वो मेरा जब डिमांड कर्व को मैं इंटीग्रेट करूँगा तो इसका मुझे डिमांड इससे आपका कंज्यूमर को जो मतलब जो एरिया है वो मिलेगा आपको। और यदि मैं सप्लाई कर्व को करूँगा इंटीग्रेट तो आपको इससे पूरा आपका जो है प्रोड्यूसर को जो पैसा मिलेगा उसका वो मिल जाएगा। तो अब देखो ये मेरा डेवन, तो अब मेरा यहाँ क्या है मैं यहाँ से करूँगा तो ये प्रोड्यूसर को जो प्रॉफिट हो रही है फ़ायदा जो हो रहा है वो इतना हो रहा है जो डॉटेड पार्ट है, और कंज्यूमर को जो फायदा हो रहा है वो आपका है जो लाइन वाला पार्ट है ये आपको है। तो इसको बोलते हैं हम जो कंज्यूमर सरप्लस और इसको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर सरप्लस। तो कंज्यूमर जब मैं इसको कर्व को इंटीग्रेट करूँगा जीरो से लेके एक्स जीरो तक तो मुझे यहाँ तक का पूरा एरिया मिलेगा और इस एरिया को मैं माइनस कर दूंगा तो ये मेरा एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो लेंथ और ब्रेथ, तो कंज्यूमर सरप्लस जीरो से एक्स जीरो तक मैंने इसको इंटीग्रेट किया है डिमांड कर्व को और माइनस पी जीरो एक्स जीरो, तो ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। यदि मैं सप्लाई कर्व को इंटीग्रेट करता हूं और आपकी लिमिट जीरो से एक्स जीरो तक होती है सप्लाई कर्व में तो मुझे यहां से इसका एरिया मिलेगा और ये एरिया मुझे रिक्वायर्ड नहीं क्योंकि ये आपका प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो रहा है। तो इस रेक्टेंगल के एरिया में से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये प्रोड्यूसर सरप्लस। तो रेक्टेंगल का एरिया पी जीरो एक्स जीरो और माइनस जीरो टू एक्स जीरो ये एस एक्स, ये हमारा होता है प्रोड्यूसर सरप्लस। अब इस पर मैंने एग्जांपल लिया है कि कोई भी इफ द सप्लाई कर्व फॉर अ कमोडिटी इट इज गिवन बाई पी इज इक्वल टू एक्स प्लस नाइन रूट ऑफ दिस एंड यूनिट सप्लाई इज इक्वल टू सेवन यूनिट्स फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस। तो आपने एक्स जीरो एक्स को यहाँ पुट किया तो आपको P0 मिल जाएगा तो 7 प्लस 9 16, 16 का आपका जो रूट होगा दैट इज 4, तो ये आपका P0। अब इसका अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पी एस प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू पी जीरो एक्स जीरो सेवन इंटू फोर माइनस जीरो टू सेवन आपका एक्स जीरो सेवन है रूट ऑफ दिस डी एक्स। इसको मैंने इंटीग्रेट किया है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया है 28, ये आपका 3/2 हो जाएगा और 3/2 इसका डिवाइड में आ जाएगा ये और 0 टू 7, पहले 7 पुट करेंगे 16, 16 का आप रूट लोगे 4, 4 का क्यूब करोगे आपका 64। तो मैंने देखो ये आपका 64 लिख दिया है, ये 28 आपका यहाँ पर है 2/3। अब आप 0 पुट करोगे तो ये 9, 9 का रूट 3, 3 का क्यूब 27, ये 27 है और 28 माइनस टी ए 2/3 दोनों को सबट्रैक्ट किया 37 और इसको एलसीएम लेके मैंने सॉल्व किया तो 84 माइनस 74 दैट इज 10/3, तो ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कंज्यूमर सरप्लस का। इफ द डिमांड कर्व ऑफ एनी कमोडिटी इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू 100 माइनस 8x एंड पी जीरो इज इक्वल टू 4, ये आपको गिवन है। तो मैंने पी को यहाँ 4 पुट किया है देन x विल बी इक्वल टू 12, इसको सिंप्लीफाई किया है तो x जीरो 12 एंड पी जीरो आपका 4 हो जाएगा। अब देन कंज्यूमर सरप्लस 0 टू एक्स जीरो, एक्स जीरो आपका 12 है, 100 माइनस ये आपका डिमांड कर्व है डी एक्स माइनस पी जीरो एक्स जीरो, ये आपने वैल्यू पुट की 4 और 12। अब इसको इंटीग्रेट किया 100x 8x स्क्वायर अपॉन 2 तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा 0 टू 12 माइनस 48।
अपर लिमिट डाली आपने तो 1200, यहाँ पर आपका 144 × 4 और ये आपका माइनस जीरो पे आपका जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने डाला नहीं माइनस 48। अभी आपका 1200 और माइनस 576 माइनस 48 ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 576, तो इसका आंसर आपका 576 होगा। तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस होगा। अब मैंने आपका एक थर्ड एग्जांपल लिया है कि इफ द डिमांड कर ऑफ एन कमोडिटी इज गिवन बाय ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू 10e−x व्हेन पी इज इक्वल टू 1। तो आप मैंने p को 1 पुट किया देन e−x = 1/10 और ex = 10। अब मुझे x फाइंड आउट करना है तो इसको सॉल्व किया है, तो टेकिंग log ऑन द बेस e बोथ साइड, तो मैंने log e टू द बेस ex, log e टू द बेस 10। अब इसको मैंने log m टू द पावर n, तो n log m दैट विल इक्वल टू log दिस। अब e का बेस है और e की वैल्यू है तो इसका आंसर 1 होगा, मीन्स x इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ बेस कन्वर्ट किया है क्योंकि जो टेबल आपकी है वो 10 के बेस पर है, तो मैंने बेस कन्वर्ट किया तो log 10 बेस ऑफ 10 अपॉन log 10 बेस ऑफ e, और ये वैल्यू आपको गिवेन है दैट इज 4343। तो 1 को इससे डिवाइड किया दैट विल बी इक्वल टू 2.30, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब आपका कंज्यूमर सरप्लस 0 टू 2.30 10 e टू द पावर माइनस x dx माइनस p0 x0। अब इसको आपने इंटीग्रेट किया 10 ई एक्स का आपका ई एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस वन तो माइनस वन से ही डिवाइड करते हैं, 0 टू x 0 में लिखा है पॉइंट, इसको अभी लिमिट को बाद में पुट कर लेंगे, देन 1 × 2.30। अब मैंने इसमें वैल्यू पुट किया पहले x 0, तो e माइनस x 0 माइनस 1 और माइनस 10 मैंने ये बाहर कर दिया माइनस 2.3। अब देखो ई एक्स माइनस 0, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेता हूँ, आपका ई माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, आपने x 0 से रिप्लेस किया इसको, देन e माइनस x 0 दैट इक्वल टू 1/10, तो ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट 1/10 पुट किया, ये माइनस 1, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस 1 हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई प्लस का 10 हो जाएगा और ये माइनस 2.3 ऑन सब्ट्रैक्ट और ऑन सिंप्लीफिकेशन दैट विल बी 6.70। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि इफ द डिमांड कर्व कर्व ऑफ द कमोडिटी इज गिवन बाई 18x − 2x − x² एंड सप्लाई कर्व इज गिवन बाई 2x − 3। एक एट इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो आपका एक इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका डिमांड कर्व और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आपका डिमांड कर्व जो आपका है और सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं, तो मैंने इनको दोनों को इक्वल पुट कर दिया है। मैं इन सभी को इधर लेके आया तो x² + 4x − 21 = 0, मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया है तो 21 के फैक्टर 7 और 3 थे, x² + 7x − 3x − 21 = 0। अब मैंने इसमें से x कॉमन लिया x + 7 − 3 कॉमन लिया x + 7 = 0, x + 7 कॉमन लिया x − 3, तो x − 7 और x = 3। नंबर ऑफ यूनिट्स कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होंगी, तो इसलिए ये आपका पार्ट जो है वो रिजेक्ट हो गया है −7, तो x जो आपका x0 दैट विल बी 3। अब आपने जो प्राइस निकालना है ये हमेशा आपको डिमांड कर्व से निकालना है, तो यहाँ पर आप x को 3 पुट करोगे, तो मैंने इस कर्व में x को 3 पुट किया है, तो 18 − 3 × 2 − 3² = 9, तो ये आपका 3, देन P0 दैट विल बी 3। अब आपने कंज्यूमर सरप्लस के लिए 0 टू x0 इज 3, सप्लाई अब डिमांड कर्व को आपने इंटीग्रेट किया है, ये आपका डिमांड कर्व है 18 − 2x − x² dx और −P0 x0। तो आपने यहाँ 0 टू 3 ये आपका डिमांड कर्व को डिफरेंशिएट किया इंटीग्रेट किया है और −P0 x0, तो ये 3 × 3, इसका आपका 18x, इसका 2x² / 2 और इसका x³/3, 0 टू 3 और ये आपका −9। अब मैंने इसको अपर लिमिट 0 टू 3, तो पहले आपका 18 × 3 = 54 हो जाएगा, ये आपका 3² 9 और यहाँ पर 27/3 9 और ये आपका ये −9 दैट विल बी 27, सो इट विल बी द कंज्यूमर सरप्लस। अब आपका प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए आपने जो है सप्लाई कर्व को इंटीग्रेट करना है, तो P0 x0 ये आपका 3g × 3 माइनस सप्लाई कर्व इज 2x − 3, तो ये 2x − 3 dx, मैंने इसका इंटीग्रेशन लिखा है 2x − 3² और ये आपका अपॉन 2 और इसका डेरिवेटिव भी अपॉन 2, तो ये मैंने इसको इंटीग्रेशन आप अलग अलग भी कर सकते हो, मैंने एक साथ कर दिया है इसको 0 टू 3। अब 9 ये मैंने 1/4 बाहर कर दिया 2x − 3² 0 टू 3। अब पहले मैंने 3 पुट किया तो आपका ये 6 − 3 3 हो जाएगा, 3² 9, 0 पुट किया तब भी 3² 9, तो दैट विल बी 0, सो 9 − 0 दैट विल बी 9, इट मीन्स देन दिस विल बी प्रोड्यूसर सरप्लस। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपको निकालना है।
अब मैंने आपका नेक्स्ट लिया इसमें कि इंटीग्रेशन का यूज, कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एनी कमोडिटी दैट इज गिवन बाई 16x माइनस 1591 एंड द फिक्स कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी फॉर पर डे इज 1800. फाइंड द कॉस्ट फंक्शन, रिवेन्यू फंक्शन एंड प्रॉफिट फंक्शन एंड ऑल्सो मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ यूनिट इज फिक्स दैट इज रुपीज 9, ये आपको गिवेन है. अब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आपको वो आपको अलग निकालना है. अब मुझे आपका है कि मार्जिनल कॉस्ट, तो कॉस्ट इज इक्वल टू होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट डी एक्स. एक्स जहाँ नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, आपका नंबर ऑफ यूनिट आपकी टी है, तो आपका यहाँ टी टी हो जाएगा. तो मेरा जो कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट है 16x माइनस 1591 dx. तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो 16x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1591 x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैंने k लिया हुआ है. अब इसमें आपका है कि k निकालने के लिए जब आपका कॉस्ट फंक्शन है तो फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने यदि कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं की है, पर डे आपको 1800 का खर्चा आएगा ही आएगा. तो इसका मतलब है कि आप नंबर ऑफ यूनिट्स आप x जीरो पुट करते हो इसमें, तो आपको 1800 पर डे का एक्सपेंडिचर आपका आएगा ही आएगा. तो मैंने इसमें x को जीरो पुट कर दिया है और c को 1800 रखा है. तो यहाँ 1800 ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, देन k इज इक्वल टू 1800. देयरफोर योर कॉस्ट फंक्शन दैट विल बी 8x स्क्वायर माइनस 1591x प्लस 1800. ये आपका कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा. उसने बोला था कि सेलिंग प्राइस जो आपका डिमांड फंक्शन है वो आपने निकालना है, तो आपका वो 9 दे रखा था. और आपका जो R होता है रिवेन्यू फंक्शन दैट विल बी P इंटू एक्स. डिमांड 9 है, नंबर ऑफ यूनिट आपकी x है, तो 9x दैट विल बी रिवेन्यू फंक्शन. तो ये आपका एक आंसर ये भी है रिवेन्यू फंक्शन, और एक आंसर आपका ये है CX. आपको दो आंसर मिल गया, आपका ये मिल गया और ये. अब आपका प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, RX माइनस CX. तो मैंने इसको RX में से 9x से इसको माइनस किया, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो मैंने ये पुट कर दिया यहाँ पर. अभी आपका ये दोनों मिलके आपके 1600x हो जाएंगे, ये माइनस का 8x स्क्वायर और माइनस 1800. ये आपका प्रॉफिट फंक्शन आ गया. तो एक आपका ये भी आंसर है प्रॉफिट फंक्शन. अब आपने इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसको आप डेरिवेटिव निकालोगे, तो डिफ्रेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये इसका माइनस 16x और इसका 1600, ये आपका जीरो हो जाएगा. अब dp अपॉन dx को जीरो पुट करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो आपको मैंने इसको जीरो पुट किया, देन x इक्वल टू 100 आ जाएगा. अब मैंने इसको डबल डेरिवेटिव चेक किया, तो इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, विच इज लेस देन जीरो. तो इट मीन्स द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 100. तो आपकी प्रॉफिट मैक्सिमम होगी. अब आपने प्रॉफिट मैक्सिमम निकालनी है, तो प्रॉफिट फंक्शन में x इक्वल टू 100 पुट कर दो. तो मैंने देखो यहाँ पर 100 पुट किया है, माइनस 8 ये आपका 100 का स्क्वायर प्लस 1600 टू 100 माइनस 1800. तो आपको इसको सिंपल ऑन सिंप्लीफिकेशन देन प्रॉफिट दैट विल बी 78,200. ये आपके इस तरह के क्वेश्चंस, आपके इस वैरायटी के क्वेश्चंस, इसमें कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस और यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन इकोनॉमिक्स, ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.